हेलो एवरीवन, सत्यन सृष्टि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम सिक्स क्लास साइंस के चैप्टर वन डिस्कस करेंगे, दैट इज फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड व्हाट इज फूड? ए सब्सटेंस दैट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट्स और ड्रिंक्स टू ग्रो एंड मेंटेन इट्स फिजिकल बॉडी इज कॉल्ड फूड। हम जो खाते हैं किस लिए खाते हैं? अपने बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, फिर इसको फिट एंड हेल्दी रखने के लिए खाना खाते हैं। फंक्शंस ऑफ फूड, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड सेल्स। ये मदद करता है ग्रोथ के लिए और ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्दी। देन न्यूट्रिएंट्स, हम न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं? जो केमिकल्स पाया जाता है फूड में, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देन वेराइटी इन द फूड, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट वेज, दिस इज कॉल्ड वेराइटी इन फूड। यानी कि हम दिन में भी जितने बार खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, हम तरह तरह के खाना खाते हैं। और डे टू डे भी हम चेंज करते हैं खाना, एक ही तरह के तक खाना हम नहीं खाते हैं। इसी को बोलते हैं वेराइटी इन फूड। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ये सही है, सभी की टेस्ट पसंद एक ही तरह के नहीं होता है। दिस डिफरेंस अकर्स ड्यू टू देयर हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, सम न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू ग्रो, सम गिव एनर्जी एंड सम हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस। ये कुछ खाना क्या मदद करता है हमको, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, फिर प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मदद करता है। और ये भी जो वैरायटी होता है, मतलब देखो जैसे हमारे इंडिया के नॉर्थ की तरफ जाओ तो उधर ज़्यादा गेहूं के, मतलब गेहूं के व्हीट फ्लोर ज़्यादा यूज होता है, जैसे लोग पसंद करते हैं रोटी या चपाती ये सब। नॉर्थ के साउथ की तरफ जाएंगे तो उधर आपका राइस का बनाया आइटम ज़्यादा मिलेगा, जैसे इडली हो, सांभर हो, राइस खाना पसंद करते हैं। और हम कोस्टल की तरफ जाएंगे तो सी फूड ज़्यादा मिलेगा आपको। इसी तरह जगह जगह के हिसाब से भी खाना का स्टाइल चेंज होता है। फिर आता है आपका फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? सपोज हमको चावल बनाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? रॉ राइस, जिसको हम पानी में बॉयल करते हैं तो हो जाता है बॉयल राइस। इस तरह रोटी बनाना है तो हमको चाहिए व्हीट फ्लोर या आटा, उसको पानी में घोल के बनाते हैं, फिर रोटी सेकते हैं। तो कोई भी सामान एक डिश बनाने के लिए जो ज़रूरी होता है उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। दैट इज द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। उसके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि बॉयल राइस के लिए मैंने बोली क्या चाहिए? राइस और वाटर। फिर चपाती के लिए व्हीट फ्लोर एंड वाटर। अगर इसमें ओनली टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन अगर वेजिटेबल करी बनाना है तो उसके वेजिटेबल डालना है, फिर सॉल्ट डालना है, फिर स्पाइसेस यानी कि मसाला, फिर कुकिंग ऑयल, फिर वाटर। इसी तरह की जितने भी आइटम बनाएंगे उसमें अलग अलग की इंग्रेडिएंट्स आता है, आप उसमें से लिस्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमको ऑमलेट बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एग्स, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। देन आता है सोर्सेस ऑफ फूड, मोस्ट ऑफ द फूड व्हिच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो आता कहाँ से? जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, रोटी किससे बनता है? आटा से, यानी व्हीट फ्लोर, गेहूँ से, वो क्या है? प्लांट सोर्स है। हम रोज़ दूध पीते हैं, चाहे वो काऊ का हो या भैंस का हो, वो कहाँ से आता है? वो है एनिमल से। तो हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स के अपने फूड के लिए। जब
प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक व्हीट, मैज, राइस, फिर पल्सेस, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, स्पाइसेस, टी, कॉफी एट्सेट्रा. एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड मटेरियल सच एज मिल्क, एग्स, चिकन, मीट, फिश एंड हनी. देन प्लांट पार्ट्स एज फूड. एंड प्लांट को प्लांट पर डिपेंड करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे प्लांट को ही खाते हैं. किसी प्लांट का हम रूट्स को खाते हैं, किसी का स्टेम्स को खाते हैं, किसी का लीव्स, फ्लावर्स या फ्रूट्स या सीड को खाते हैं. वैसे जैसे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इफ एडिबल कॉन्स्टिट्यूट एज सोर्स ऑफ आवर फूड. द प्लांट स्टोर देयर फूड इन स्टेम्स, रूट्स, सीड्स एंड इन सम स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गन्स. वी यूज दिस स्टोर्ड फूड एज आवर सोर्स ऑफ फूड. तो देखते हैं कौन से प्लांट का हम रूट खाते हैं या स्टेम खाते हैं या लीव्स खाते हैं. द फर्स्ट वन, प्लांट रूट्स एज फूड. उसका हम रूट्स को खाते हैं. सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर रूट्स. एग्जाम्पल क्या है, कैरट यानी कि गाजर, रेडिस यानी कि मूली, फिर बीट, टर्निप यानी कि सलगम, स्वीट पटाटो दैट इज शकरकंदी. देन प्लांट स्टेम्स एज फूड. स्टेम एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक, अनियन, फिर टर्मेरिक, शुगर कैन, कोलोकसिया, कोलोकसिया यानी कि अरबी. देन प्लांट लीव्स एज फूड. जिसके लीव्स हम खाते हैं, कौन कौन से प्लांट के कुछ एग्जाम्पल बताओ. जैसे स्पिनच है ना, पालक, कैबेज, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, मेथी का साग सब्जी बनती है ना, फिर मस्टर्ड लीव्स. जितनी तरह के भी साग जो है मिलता है वो सब लीव्स ही है. फिर फ्लावर्स इज फूड. कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बनाना, पम्पकिन, मरिंगा. मरिंगा यानी कि ड्रम स्टिक, किसी किसी एरिया में इसका सजना बोलते हैं या मुनगा भी बोलते हैं. इसका फ्लावर्स को खाया जाता है. नेक्स्ट आता है फ्रूट्स एज फूड. फ्रूट्स तो हम काफ़ी सारा खाते हैं, जैसे कि बनाना, मैंगो, पपाया, ब्रिंजल, टोमाटो एट्सेट्रा. फिर सीड्स एज फूड. सीड्स जितने भी हम फूड ग्रेन्स खाते हैं, ज़्यादातर गेहूँ हो, चावल हो, ऑल पल्सेस, पीज, दैट इज मटर, ये सब क्या होता है, सीड्स. सम प्लांट्स, लेकिन कुछ प्लांट क्या होता है ना, उसके सिर्फ दो या दो से ज़्यादा भी पार्ट्स को हम खाते हैं. सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स व्हिच वी कैन बी ईट एज फूड. एग्जाम्पल क्या है, जैसे पम्पकिन, उसका फ्रूट खाते हैं, उसका फ्लावर्स को भी खाते हैं. फिर मस्टर्ड, सरसों का साग खाते हैं. फिर उसका सीड्स जो, उसका डायरेक्ट मसाला के हिसाब से भी हम यूज़ करते हैं, जैसे तड़का लगाते हैं. फिर उससे ऑयल भी बनता है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल. बनाना, बनाना का फ्रूट खाते हैं, फिर उसका फ्लावर्स को भी खाया जाता है. ठीक है, ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर नॉट एडिबल. सम ऑफ द प्लांट्स आर इवन पॉइजनस एंड हैंस नॉट फिट फॉर ईटिंग. ऐसे हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कोई भी प्लांट हमारे आसपास जो भी है वो खाने का लायक होता है, ऐसा नहीं है. कुछ तो पॉइजनस भी होता है. नेक्स्ट आता है स्प्राउट्स यानी कि अंकुरण. अंकुरण क्या है, जैसे कि चना या मूंग, हम क्या करते हैं, उसको भिगो देते हैं. भिगो के फिर गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं 8-10 घंटे के लिए. तो उसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है. तो उसको खाने के लिए बहुत हेल्दी होता है ना, वही है स्प्राउट्स. व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग टिनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स. स्प्राउटेड सीड्स ऑफ मूंग, चिक पी इज वेरी न्यूट्रिशियस. स्प्राउटिंग इज डन बाय सॉकिंग सीड्स इन वाटर एंड देन ड्रेनिंग द वाटर आफ्टर अबाउट 7-8 hours. देन दे आर रफ विथ ए वेट क्लॉथ एंड रेप्ड ओवर नाइट टू जर्मिनेट. यही जो मैंने बोली, स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज वेल एज कुक्ड.
स्प्राउट्स को हम ऐसे ही खा सकते हैं या उसको पका के भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड आर हाई इन प्रोटीन एंड मोर ऑफ विटामिन्स ए बी एंड सी। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मिल्क। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट यूज इन फूड इज मिल्क। मिल्क इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू अदर प्रोडक्ट्स नॉन एज मिल्क प्रोडक्ट्स और डायरी प्रोडक्ट्स सच एज पनीर, क्रीम, बटर, घी, कर्ड एट्सेट्रा। तो ये मिल्क उसका मिल्क प्रोडक्ट ये सब मिल्क से ही बनता है, जैसे पनीर हो, क्रीम हो, बटर हो, घी, ये सब कहाँ से पाया जाता है? काऊ या बुफालो से। तो ये सब एनिमल प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट एनिमल प्रोडक्ट में आता है मीट। द मेन सोर्सेस ऑफ मीट आर गोट, शीप, पोल्ट्री एंड बर्ड्स लाइक हैन, डॉग ऑल्सो गिव अस मीट। देन थर्ड वन इज एग। एग्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम हैंस एंड डॉग्स। एंड और एनिमल प्रोडक्ट में क्या आता है? फिश। फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ये फिश क्या हो सकता है? ये फ्रेश वाटर का हो सकता है या सी वाटर का भी हो सकता है, दोनों गुड है। फिशेज में भी फ्रेश वाटर और सी वाटर बोथ आर गुड। कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फिश कॉड इज रिच इन विटामिन डी एंड ए। एक कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है जो मिलता है वो एक फिश कॉड उससे बनाया जाता है जो कि रिच इन विटामिन डी एंड ए है। अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल सोर्स दैट इज हनी। हनी इज अनदर एनिमल प्रोडक्ट। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इन टू हनी, स्टोर इट इन देयर बी हाइव। वेन वी फाइंड सोच ए बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी। मधुमक्खियाँ क्या करते हैं? फूलों से उनका स्वीट जूस निकालते हैं, फिर उसको अपने स्टोर उसका कन्वर्ट करते हैं हनी और स्टोर करते हैं इनके हाइव्स पर। द साइंस ऑफ लर्निंग बी कीपिंग इज कॉल्ड एपिकल्चर बोलते हैं। द साइंस ऑफ लर्निंग बी कीपिंग इज कॉल्ड एपिकल्चर। यस, नेक्स्ट देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट। लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, द डिपेंड एदर ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। ह्यूमन बींग्स ईट अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड बट अदर एनिमल्स ईट ओनली ए फ्यू टाइप्स ऑफ फूड। जैसे कि ह्यूमन बींग्स तो अपने आप खाना नहीं बनाता है, मतलब जैसे प्लांट बनाते हैं अपने सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऐसे ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। इसी तरह एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं दूसरों पर, वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स का वेराइटी के खाना खाते हैं, वो एनिमल केस में नहीं है, कुछ ही टाइप के खाना खाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि काऊ और बुफालो वो क्या खाना खाते हैं? ज़्यादातर ग्रास है, ऑयल केक, ग्रेन्स। फिर देखेंगे लायन और टाइगर तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि रेबिट, डियर एट्सेट्रा। फिर पिजन क्या? ग्रेन्स, एलिफेंट, ग्रास एंड ग्रीन प्लांट्स। फिर देखेंगे हाउस लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट। इसी तरह के आप काफ़ी सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन आता है फ्रूट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का मतलब क्या होता है? तो प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो कंज्यूम करता है उसको कंज्यूमर्स बोलता है। द प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स टू। प्लांट एनिमल्स की तरह नहीं खाना खाते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द प्लांट्स नॉट ओनली मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, ऑल्सो दे प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। ये सही है, प्लांट्स तो खाना बनाते हैं लेकिन हम भी डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर में। सिंस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फूड दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और फूड प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स खाना बनाते हैं इसको उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। द एनिमल्स आर एनेबल टू मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स टू गेट द फूड। सिंस एनिमल्स ओनली कंज्यूम, यानी कि एनिमल्स
सिर्फ कंज्यूम करते हैं या खाते हैं फूड मेड बाय अदर्स, दे आर कॉल्ड फूड कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स।